नमस्कार दोस्तों, स्नैक्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में पाए जाने वाले ट्रिंकेट स्नेक की प्रजातियों के बारे में। तो दोस्तों भारत में 9 प्रजाति के ट्रिंकेट स्नेक पाए जाते हैं, तो आइए इसके बारे में ही बात करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बहुत सारी जानकारी लाने वाले हैं कुछ दिनों में। हम 300 प्रजाति के सांपों को कवर करने वाले, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 कॉमन ट्रिंकेट स्नेक कोलोगनाथस हेलेना हेलेना। तो दोस्तों ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है, ये पूरे भारत भर में पाया जाता है, दूसरे देशों में पाया जाता है लेकिन ये पूरे भारत में पाया जाता है। दूसरे देशों की बात करें तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी ये पाया जाता है। आमतौर पे ये 4.5 फीट तक के होते हैं और देखे गए हैं। ये बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है, इसमें किसी भी तरह का जहर नहीं होता। नंबर 2 माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक कोलोगनाथस मोंटीकोलारिस। तो दोस्तों ये एक बड़ी प्रजाति का सांप है। ये ट्रिंकेट स्नेक बहुत बड़े होते हैं, 5 फीट 10 इंच तक इनको रिकॉर्ड किया गया है और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाए जाते और कहीं देखा नहीं गया है। ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते और ये भी बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है। दोस्तों ट्रिंकेट सांप की सारी प्रजाति नॉन वेनमस है। नंबर 3 वी कॉलर ट्रिंकेट स्नेक कोलोगनाथस निग्रियान गुलारिस। दोस्तों भारत में ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ईस्टर्न महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4.5 फीट तक के होते हैं और ये नॉन वेनमस सांप है, ये विषहीन सांप है, को किसी भी तरह का जहर नहीं होता। नंबर 4 कॉपर हेड ट्रिंकेट स्नेक कोलोगनाथस रेडियाटस। दोस्तों ये सब भारत में आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, चिंपू ईटानगर डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा गया है। ये काफी लंबा सांप है, ये बहुत बड़ा होता है, इनकी लंबाई 7.5 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। ये काफी लंबे सांप होते हैं और ये बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है, इसे किसी भी तरह का खतरा नहीं है इंसानों को। नंबर 5 येलो स्ट्रिप ट्रिंकेट स्नेक कोलोगनाथस फ्लेवोलिनियाटस। दोस्तों ये सांप भारत में सिर्फ अंडमान आइलैंड में पाया जाता है और ये कहीं नहीं पाया जाता, दूसरे देशों में भी पाया जाता है लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ भारत में ये अंडमान आइलैंड में पाया जाता है और ये भी बड़ी साइज का सांप है, ये 5.5 फीट तक रिकॉर्ड किया गया है और ये भी नॉन वेनमस सांप है, बिल्कुल जहरीला नहीं है। नंबर 6 ब्लैक बैंडेड ट्रिंकेट स्नेक ओरियोकिप्टोफिस परफिरासियस। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सांप होता है, ये रेड और ऑरेंज कलर में मिलते हैं और इनकी लंबाई की बात करें तो ये 3.5 फीट तक रिकॉर्ड किए गए हैं। ये भी नॉन वेनमस सांप है, बिल्कुल जहरीला नहीं होता, इंसानों को किसी भी तरह का इससे खतरा नहीं होता और इसकी जियो लोकेशन की बात करें तो भारत में ये दार्जिलिंग, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है और अरुणाचल प्रदेश में भी पूरे में नहीं मिलता लेकिन ये मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ईटानगर में ये पाया गया था, इसको रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 7 ग्रीन ट्रिंकेट स्नेक गोनियोसोमा प्रासिनम। दोस्तों ये भारत में दार्जिलिंग, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। की लंबाई की बात करें तो ये 3 फीट तक ही देखे गए हैं और ये भी बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है, विषहीन सांप, इंसानों को इससे किसी भी तरह का खतरा नहीं है, बिल्कुल नॉन वेनमस सांप। नंबर 8 ईस्टर्न ट्रिंकेट स्नेक ऑर्थ्रियोफिस कैंटोरिस। ये भारत में सिक्किम और आसाम में ही पाया जाता है और कहीं देखा नहीं गया है और ये भी काफी लंबे सांप होते हैं, इनकी लंबाई 6.5 फीट तक रिकॉर्ड की गई है और ये भी बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है, बिना जहर वाला सांप है, ये किसी भी तरह का जहर इनमें होता नहीं है और इंसानों को इससे किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। नंबर 9 हिमालयन ट्रिंकेट स्नेक ऑर्थ्रियोफिस हॉक्सोनी। दोस्तों ये भारत में सिक्किम, आसाम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में पाया जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4 फीट तक पाए जाते हैं और ये नॉन वेनमस सांप है, बिल्कुल विषहीन सांप है, ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो अपने हिमालयन रेंज है, सिक्किम, आसाम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह के सांपों की जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया हुआ है, इस वीडियो से किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, तो इस वीडियो को देख के किसी भी तरह के सांप पकड़ने की कोशिश ना करें, अपनी जान की परवाह खुद करें। धन्यवाद।